महासचिव प्रदेश के प्रभारी सम्मान्य अविनाश पांडे जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रभारी सचिव काजी निजामुद्दीन जी, रघु शर्मा जी, मंत्री गोविंद डोटासरा साहब, सुखराम बिश्नोई जी जो प्रभारी मंत्री हैं, ज्योति मिर्धा जी, जाकिर हुसैन साहब, जिलाध्यक्ष महोदय, महेंद्र चौधरी जी, मंजू मेघवाल जी, चेतन डूडी जी, मुकेश भाकर साहब, रामनिवास कवड़िया जी, विजयपाल मिर्धा जी, हबीब रहमान साहब, भरिंदर मिर्धा जी, सवाई सिंह जी, सोनू जी, ऋषपाल मिर्धा साहब, हमारी जिला प्रमुख सुनीता चौधरी जी, बिंदु चौधरी साहिबा, मंचासीन सभी नेतागण, नौजवान दोस्तों, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं और बहनों, आज मकराना में ये सभा रखी है लोकसभा के चुनावों को सामने देखकर। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिला कांग्रेस कमेटी को और जाकिर साहब को, आपके तमाम साथियों को, कि आपने आज बहुत कम समय में, कल ही आपने सूचित किया जाकिर जी को, और आज 24 घंटे के अंदर अंदर आप सबको यहाँ पर उन्होंने आमंत्रित किया। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ, जाकिर जी का विशेष रूप धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जाकिर जी, आप ये चुनाव हार गए होंगे, लेकिन आप हमारे विधायक हो, जिलाध्यक्ष हो, और हम बस आपसे इतना निवेदन है कि जो कमी रह गई विधानसभा चुनाव में, उसको सूद समेत पूरा करना है लोकसभा चुनाव में। ये काम आप लोगों को करना है। अभी 2-2.5 महीने हुए सरकार को बने, लेकिन बदलाव हमें दिख रहा है। जो वादे हम लोगों ने किए, उसको लगातार पूरा कर रहे हैं। और मुझे फक्र कहते हुए कि वसुंधरा जी ने जहां 4 साल 11 महीने 25 दिन तक कुछ नहीं किया, और जाते जाते दबाव में घोषणा कर गई बिजली की, ऋण माफी की, और पूरा नहीं करना था, हमारी सरकार बनने के तुरंत बाद जो राहुल गांधी जी ने वादा किया, ठीक उसी लाइन पर आकर हमने तमाम वादे पूरा करना शुरू कर दिए। चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे फसल खरीद की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, सरकार ने पिछले 2-2.5 महीने में कोई कमी नहीं छोड़ी हर वो कदम उठाने में जहां जनता का लाभ हम लोगों को दिखता है। आज का चुनाव देश का चुनाव है। ये चुनाव राजस्थान का नहीं है, नागौर का नहीं है, इस मुल्क में कैसे प्रेम, प्यार, भाईचारा, मोहब्बत बरकरार रहे, उस बात का चुनाव है। विकास की जगह भाषण देखने को मिले 5 साल तक, धरातल पर काम नहीं हुए, लेकिन लंबे लंबे भाषण हुए, विज्ञापन हुए, प्रचार प्रसार हुआ। आज मोदी साहब प्रधानमंत्री हैं 5 साल से, क्या हाल फसलों का है, खेत का है, किसान का है। पिछले 45 साल में इतनी बेरोजगारी देश में कभी नहीं हुई जितनी आज है, और सारे आंकड़े छुपाने का काम करते हैं, संस्थाओं को नष्ट करने का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाने का काम करते हैं। और जब भी कभी देश में ऐसी घटना होती है जहां हिंसा हो, सांप्रदायिकता फैलती है, तो प्रधानमंत्री जी कम से कम 3 या 4 दिन का समय लेते हैं, फिर 5वें दिन आके बोलते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये देश अमन चैन वाला देश है। 4-5 दिन तक इंतजार करते हैं, खूब घटनाएं घट जाए, नफरत फैल जाए, भाई भाई दुश्मन बन जाए, उसके बाद जाके चाहते 5वें दिन उनका स्टेटमेंट आता है। 5 साल वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रही, नागौर को क्या दिया नहीं दिया आप जानते हो, और ये नागौर वो ऐतिहासिक जिला है जहां पर कांग्रेस की सरकार ने पंचायती राज की शुरुआत करी थी। ये वो जिला है जहां उसी 2 अक्टूबर को सोनिया गांधी जी आई थी, 1000 करोड़ रुपए की पानी की योजना यहां पर सरकार ने हमारी दी थी। ये वो जिला है जिसने आज पूरे ताकत के साथ कांग्रेस का समर्थन किया है, इसलिए आप लोगों से बहुत उम्मीद है। कांग्रेस पार्टी जिस व्यक्ति को भी अपना उम्मीदवार बनाकर यहां से भेजे, मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है साथियों, माताओं, बहनों, कि हाथ का निशान कांग्रेस की पहचान है। सारी बात भूलकर 36 कौम के लोग, चारों मजहब के लोग कांग्रेस के हाथ के निशान पर बटन दबाकर हमको जिताकर भेजें। आज राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं और जवाब मांगते हैं, कांग्रेस के नेता जवाब मांगते हैं, तो हमें देशद्रोही कहा जाता है। भाजपा विरोधी होना मतलब देश विरोध, राष्ट्र विरोधी होना, ये अजीब तरह की परिभाषा बन गई। इस देश में जो हालात पैदा हुए हैं आज से पहले नहीं थे, कभी हमने सुना नहीं था कि मॉब लिंचिंग क्या होती है। बड़े बड़े पदों पर बैठे लोग, संविधान की शपथ लिए हुए लोग, आज ऐसी छोटी बातें करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रदेश के नौजवान, हमारी महिलाएं, माताएं सब मिलकर
एक नई सरकार का निर्माण करेंगे। 23 मई को जब मतगणना होगी तो देश में नई सरकार बनेगी, नया प्रधानमंत्री वहां पर होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे। आज आपके बीच हम हाजिर हुए, आप लोगों से वोट मांगने के साथ साथ ये प्रार्थना लेकर हाजिर हुए कि ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है। 125 करोड़ लोगों के इस मुल्क में रोजी रोटी के लिए जो लोग मोहताज हैं, उनके मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो किसान आत्महत्या कर चुके हैं और जो करने की कगार पे हैं, उनके मुद्दों को लेकर हम चुनावी मैदान में हैं। चुनाव होगा महंगाई पर, भ्रष्टाचार पर, बेरोजगारी पर। जज्बात और भावनाओं को बढ़ाकर अपनी नाकामियों को छुपाने का काम जो भाजपा के साथी कर रहे हैं, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। हमारे जिले में जो ताकत है, अभी हम गाड़ी में बात कर रहे थे तो मैंने कहा ये नागौर है, नागौर की जनता जिस करवट बैठ जाती है सत्ता उसी की तरफ आ जाती है। और कांग्रेस पार्टी में आपका पूरी आस्था है, पूरा भरोसा है, मैं जानता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से कि ना सिर्फ मकराने में लेकिन पूरे नागौर लोकसभा क्षेत्र के अंदर आप सब लोग पूरी ताकत के साथ कांग्रेस पार्टी के प्रचार प्रसार में लग जाएं। ज्यादा समय नहीं है, मुकाबला हमको करना है ऐसी ताकतों से जो नफरत और जहर फैलाकर राजनीति करना चाहते हैं। वो तमाम लोग जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, जो ताकत और बल के दम पर राजनीति करना चाहते हैं, उन लोगों का समय पूरा हो गया। 5 साल तक सरकार को झेला है। जैसे आपने राजस्थान में भाजपा की सरकार का बोरिया बिस्तरा बांधकर बहा दिया था, ऐसे समय आ गया है कि 25 की 25 सीट जीते और राजस्थान के साथ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी पराक्रमित होकर जीतेगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप सबके बीच में मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी सरकार जब से बनी है और आने वाले 5 साल तक सत्ता और संगठन, हर गरीब और नौजवान, हर बुजुर्ग और हर महिला, आपके सभी अरमानों को पूरा करने के लिए, आपके सभी सपनों को साकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी कोई कसर छोड़ने वाली नहीं है। हमारी सरकार आपकी सरकार है, ये घमंड और गुरूर की सरकार नहीं है। आप जैसा काम चाहोगे वैसा काम हमारी सरकार करेगी, इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। आपने बहुत प्यार से, बहुत इत्मीनान से हम लोगों का स्वागत किया, खैर मकदम किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस हाथ के निशान पर हम सभी भाई बहन मिलकर कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से जिताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, जय हिंद। और अब मैं बुलाना चाहता हूँ यशस्वी और लोकप्रिय